आप अगर सोने चांदी के गहने रखने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। सोने की कीमतों में बीते महीने खूब गिरावट आई और अगस्त की शुरुआत होते ही इसमें फिर से उछाल देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये बजट यूनियन 2024 से पहले के भाव से काफी नीचे चल रहा है। आपको बता दें कि बीते 18 जुलाई 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 75,000 के करीब पहुंच गया है, लेकिन गोल्ड सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी घटाए जाने के ऐलान के बाद ये भरभरा कर टूटा था और फिलहाल की यदि हम बात करें तो सोने का दाम 70,000 के आसपास बना हुआ है। तो वही जुलाई के आखिरी हफ्ते में तगड़ी गिरावट के बाद अगस्त की शुरुआत में ही सोने की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला। हालांकि ताजा रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो ताजा रेट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर 4 अक्टूबर 2024 की समाप्ति के लिए गोल्ड रेट 69,792 रुपए पर था, यानी कि इसकी कीमत बजट से पहले चल रहे भाव की तुलना में अभी भी बहुत कम है। तो बीते 18 जुलाई को MCX पर फ्यूचर गोल्ड यानी कि 74,638 रुपए के प्रति 10 ग्राम के लेवल पर था, ये फिलहाल 4,846 रुपए सस्ता है। वहीं घरेलू मार्केट के सोने की कीमतों पर नजर डालें तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के मुताबिक बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 2 अगस्त को अलग अलग क्वालिटी के सोने के दाम इस प्रकार हैं। बात करें सोने की कीमतों में बजट 2024 के बाद अचानक आई गिरावट के बारे में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया था। पहले गोल्ड कस्टम ड्यूटी 15% लगती थी जिसे सरकार ने घटाकर 6% कर दिया गया था। इसके चलते बजट वाले दिन से सोने का भाव गिरने लगा था और ये बीते 25 जुलाई को 67,000 के आसपास पहुंच गया था। अब ऐसे में आपके लिए कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी दुकान पर सोना या चांदी खरीदने जाते हैं तो आप उसकी पहचान कैसे करें, चलिए हम आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी इसकी भी दे देते हैं। सोना खरीदते समय इसके क्वालिटी की पहचान जरूरी है। बता दें कि आभूषण बनाने के लिए ज़्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है, वहीं कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉलमार्क जो होता है वो दर्ज किया होता है, यानी कि वो दर्ज होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 998 और 22 कैरेट पर 916 और 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है। कीमतों की बात करें तो देश भर के सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्यों के कर और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश ने तमाम और रिपोर्ट उत्तराखंड की जुड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।